हेलो। हाँ, कहाँ रह गए तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ, मुझे पता है कि बारिश आ रही है। नो, ऑल द प्रेपरेशंस हैव बीन डन डार्लिंग। जल्दी आओ ना प्लीज। ओके, बाय डार्लिंग, सी यू। वॉचमैन, 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 ये वॉचमैन कहां मर गया? वॉचमैन, हेलो। हेलो रिंकी, कहाँ हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं आई? बिजी हूँ, आज बर्थडे है ना उसका, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं खंडाला के फार्म हाउस पे। खंडाला फार्म हाउस? तुम वहाँ क्या कर रही हो? अरे यू शुड कम होम, यू विल गेट लेट। मुझे बता मत क्या सही है और क्या गलत है। यू डोंट बी माय काउंसलर। लुक मानसी, यू आर गेटिंग सो मच इन्वॉल्व विद हिम। क्या पता क्यों वो इंसान मुझे सही नहीं लगता। समहाउ आई डोंट लाइक हिम। बस रिंकी, बहुत हो गया। पर वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, अब मुझे लगता है कि मुझे मॉम को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। अगर तूने मम्मी को कुछ भी बताया ना तो आई किल यू। जस्ट शट अप, बकवास बंद करो तुम अपनी। ओके, अच्छा छोड़, ये लिख, मेरा नया नंबर है, आज ही मिला है। ठीक है। हाँ बोल। हाँ, 9813131313। इतने सारे 13? You know na, 13 is an unlucky number. But it's lucky for me, darling. ले इसे, रख दे संभाल कर। Thank you.
मजाक कर रहा होगा, लेकिन इतना भद्दा मजाक। काम डाउन, ट्राई अगेन। बीबी को फोन लगाता हूँ। हाँ डायल कर लेता हूँ। हैप्पी फैमिली थी हमारी, हम सब बहुत खुश रहते थे। वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका इस फैमिली शो में स्वागत है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली शो। हेलो, पहले खाना खा लो, चलो। मम्मा प्लीज, लाइव शो चलता रहता है तो आप बीच में क्यों डिस्टर्ब करती है? आई एम सो सॉरी। हां सो फ्रेंड्स, आई एम योर वीजे मुस्कान। Let me introduce you to the first and the central character, my mom, Mrs. Reema Bhargav. Hi. वैसे मेरी मम्मी बहुत स्वीट है, पर कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है। मैं तो क्या, मेरे डैड वीरू भार्गव वो भी इनसे डरते हैं। Very true, very true. Now, my daddy, Mr. Virendra Bhargav. He's a good father and a good husband. Thank you. You know what? जब मेरी मम्मी बोलती है ना, तो वो चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें मम्मी से बहुत डर लगता है। झूठ बोल रही है। वैसे मेरी मम्मी बहुत स्वीट है, पर जब
जॉब से आती है ना, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती है। सेम विद पापा, वो कहते हैं जॉब में बहुत टेंशन है, बट माय जॉब इज टू स्टे अवे फ्रॉम देम। तब पता है मैं क्या करती हूँ? मैं अपने शाइनी आंटी के रूम में चली जाती हूँ। हेलो डार्लिंग। हाय। वो बहुत स्वीट है, वो हमारे घर में अभी ही आई है। हम बहुत मजे करते हैं। That's right. या, हम खेलते भी हैं, और वो मेरे होमवर्क में भी हेल्प करती है। That's me. वो एक ज्वेलरी डिजाइनर है। उन्हें मोबाइल पे बात करना बहुत अच्छा लगता है। Absolutely. पर उनका मोबाइल आज बहुत बीमार है, इसीलिए वो बहुत दुखी है। अब आपकी वीजे लेंगी एक छोटा सा ब्रेक। चलो खाना खा लो। That's right. Thank you, darling. Beautiful. Good girl. Okay. हेलो, मेरा नाम शाइना है, मुझे एक नया कनेक्शन चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं शहर में नई आई हूँ। ओके मैम, नो प्रॉब्लम, हम आपको नया नंबर अभी अलॉट कर देते हैं। प्लीज नोट योर न्यू नंबर। वन सेकंड। कहिए। 9813131313 What? 9813131313 It's a very strange number. कितने सारे 13s हैं इसमें? मुझे नंबर पसंद नहीं है, आप चेंज कर दीजिए प्लीज। मैंने आपसे कहा ना मुझे नंबर नहीं चाहिए। Do you hear me? मुझे नंबर नहीं चाहिए। So strange, फोन तो एक्टिव नहीं, नंबर कहां से आ रहा है? ऑफ क्यों नहीं हो रहा? फोन इनएक्टिव है और ये नंबर फ्लैश करता है। Damn it. बंद कैसे करूं? अरे हो क्या रहा है यहाँ पर? Please come in. Yes, ma'am. कहिए। ये मेरा फोन है। इसे रिपेयर कर दीजिए। फोन ऑफ करने पर भी रिंग बजती रहती है। ये हो तो नहीं सकता। एनीवे। ये कब तक रिपेयर हो जाएगा? मैम मिनिमम वन वीक तो लगेगा। तब तक आप कोई और सेट लीजिए। कई नए मॉडल्स आए हैं। वैसे भी आपका जो ये सेट है, इसका सिम कार्ड और बॉडी इसकी वेस्ट है, खत्म है। आपका ये तो कोई और सेट दिखाऊं? मुझे नया पीस नहीं चाहिए, आप इसी को रिपेयर कर दीजिए। तब तक आप मुझे एक सर्विस फोन दे दीजिए। ठीक है मैम, जैसे आप कहें। मुझे
क्या नंबर है इसका? 9813 1313 1313. What? Yeah. 9813 1313 1313. Yeah. मुझे ये फोन नहीं चाहिए. लेकिन इसमें क्या खराबी है मैम? ये नंबर मेरे लिए अनलकी है, मुझे नहीं चाहिए. 13 इज अनलकी फॉर मी. ऑलराइट मैम, ये लकी अनलकी कुछ नहीं होता, आप यूज कीजिए इसे. मैंने कहा ना मुझे ये फोन नहीं चाहिए. शैना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इतनी सुपरस्टिशियस हो गई, फोन नंबर कब से अनलकी होने लगा? होता है दीदी, इट्स अनलकी सो इट्स अनलकी. आई जस्ट डोंट वांट इट. कुछ लकी अनलकी नहीं होता है, सब हमारे दिमाग में होता है. फोन नंबर दीदी प्लीज, आई डोंट वांट इट. मैम आपकी दीदी बिल्कुल ठीक कहती हैं, ये लकी अनलकी कुछ नहीं होता, ये सब अपना वहम होता है. आप इसे यूज कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा. मम्मा चलो ना. ये फोन रख लेना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी. ना मैं ये फोन लेती, ना हमारी मुसीबतें बढ़ती. दीदी कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई है. ओके, ओह गॉड, इस फोन से नहीं. अरे डेड, वेरी स्ट्रेंज, हो क्या रहा है आज? लॉन्ग लाइफ. आपको ये फोन ही करने वाली थी दीदी, कहाँ रह गए आप लोग? एक्चुअली शाइना, स्वीरी, वीरू और मैं आज एक पार्टी में जा रहे हैं, इससे थोड़ा लेट हो जाएंगे. यू नो द डिनर इज रेडी, दिस इज नॉट फेयर. सॉरी, तुम खाना खा लेना, इंतजार मत करना. और प्लीज मुस्कान को खाना खिला देना, वरना वो ऐसे ही सो जाएगी. ठीक है, पहले फोन कर देती. बस इनफ. ठीक है, मुझे खाना नहीं खाना, मैं आइसक्रीम खाऊंगी. क्या? अब आइसक्रीम कहाँ से आएगी? आइसक्रीम नहीं है फ्रिज में. तो मंगा लो ना, मम्मी भी मंगाती है. मैं नहीं मंगाऊंगी, उठो खाना खा लो, चलो. ठीक है, मैं मंगा लेती. No means no.
गुड मॉर्निंग आंटी. गुड मॉर्निंग स्वीटी. मुस्कान ब्रेकफास्ट इज रेडी. चलो जल्दी आओ, बस छूट जाएगी. आंटी आपका मुस्कान. चलो अभी गेटिंग लेट. चलो अरे कुछ नहीं, चलो अभी इनफ. अरे कल प्रेजेंटेशन है और ये डिजाइन भी कंप्लीट नहीं हुए. आई जस्ट डोंट नो हाउ विल आई फिनिश इट. फोन मनहूस है या मेरा वहम है? और वो आवाजें, माय गॉड कितनी भयानक है. आई समटाइम्स वंडर कि ये आवाजें वाकई आती हैं या सब मेरा भ्रम है. हेलो मैडम, आपका फ्रिज बरोबर काम कर रहा है ना? कोई प्रॉब्लम? जी हाँ मुस्कान जी, हमारा फ्रिज बरोबर काम कर रहा है. तो फिर आप अपने फ्रिज के पीछे पड़िए, अपने नीस मुस्कान के पीछे नहीं. यू नॉटी गर्ल, ठहर तुझे बताती हूँ मैं. कहाँ से बात कर रही है? आपके सेल फोन से. व्हाट? मेरे फोन से? ये इसे कहाँ से मिल गया? कि जो कुछ भी हो रहा है इस मनहूस फोन के कारण हो रहा है. लेकिन ये बात मैं दीदी और जीजू को कैसे समझाऊं? पर दीदी तो ये बातें वैसे ही नहीं मानती हैं. अगर मैंने उनसे कुछ कहा तो मुझे पागल समझेंगी. मुझे ही कुछ करना होगा, पर मैं क्या करूंगी? पहले भी तो तोड़ा था. ये मनहूस वापस कहां से आ गया? कुछ राज है इसमें, मुझे इसकी तह तक जाना होगा. माय स्वीटहार्ट. टेरेस पे ले चलेंगे प्लीज. बेटा टेरेस पे क्या करोगी? यू नॉट वेल ना, अब यहीं पे आराम करो. प्लीज मैं शरारत नहीं करूंगी. प्लीज ठीक है बेटा, बट बहुत थोड़े टाइम के लिए. ओके चलिए बेटा. नहीं मम्मा नहीं जाएगी. क्यों बेटा, मम्मा क्यों नहीं चलेंगी? नहीं मतलब नहीं, आप नहीं जाएंगी, मैं और पापा ही जाएंगे बस. ओके ओके बेबी चलो बेटे, थोड़े टाइम के लिए. ओके संभाल के सब आराम से. फीलिंग बेटर? या गुड. पापा मैंने ये
पेपर प्लेन बनाया है। वाओ। उड़ाऊं? या। फ्लाई करेगा? ऑफ कोर्स। जीजू, दिस इज फॉर यू। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। मैं जानती हूँ कि आज घर में खुशी का माहौल तो नहीं है, लेकिन ये मैंने बहुत पहले ले लिया था। थैंक्स। यू हैव अ नाइस डे। थैंक्स। मतलब तुम नहीं चल रही हमारे साथ अभी? नहीं दीदी, आप लोग जाइए, मैं शाम को आ जाऊंगी, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। दिस इज कम्प्लीटली रिडिक्युलस। अचानक तुम्हें कौन सा काम याद आ गया? रीमा जाने दो ना, वो कह रही है शाम को आ जाएगी तो आ जाएगी ना। हाँ दीदी, मैं शाम को आ जाऊंगी, बस का ख्याल रखना प्लीज, एंड हैव अ सेफ ट्रिप। ओके, बाय। तुम कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो। Yeah, man. Just sign. Thank you, man. Ma'am, your papers. इनमें सब रिकॉर्ड है, उन सब लोगों का जिन्होंने ये फोन और नंबर यूज किया, सब डिटेल्स है इसमें। थैंक यू। वेलकम मैम। मैम, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे पूछ सकता हूँ डिटेल्स का आप क्या करेंगी? That's none of your business. आपको पैसे मिल गए हैं ना? जी। So just be quiet about it. I'm sorry, ma'am. So मैं चलता हूँ। क्या कहती दीदी से? मैं मुस्कान की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रही हूँ, इस फोन को? उन्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं होता, वो तो मुझे पहले से ही स्टूपिड समझती हैं। अब मैं इस फोन का सीक्रेट जानकर रहूंगी। फोन का ये ओनर तो अब इस दुनिया में नहीं है, दूसरे ओनर को ढूंढना पड़ेगा। क्या वजह है? जिसने भी ये फोन यूज किया वो या तो पागल हो गया या मर गया, पता नहीं क्यों मैं बच गई। फोन हॉन्टेड है तो घुस ने मुझे क्यों छोड़ दिया, समझ में नहीं आता क्यों। ये आखिरी नाम है, फोन को रखने वाला पहला, द फर्स्ट। शायद यहां से कुछ पता चल जाए। मैं मानसी के घर पहुंच गई, मुझे यकीन था मानसी ही वो शुरुआत है जहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। हो ना हो, मुझे इस घर से ही सुराग मिलेगा, मानसी ही इस मिस्ट्री की असली कड़ी है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मानसी के साथ क्या हुआ। भला ये कोई उम्र थी उसकी जो ये सब उसके साथ हो गया? पता नहीं किसकी नजर लग गई, लेकिन मैंने तो अपनी बेटी खो दी। आई एम सॉरी।
मैंने आपको दुख पहुंचाया, लेकिन आप दोनों की तरह मैं भी मुसीबत में हूँ। अगर आप मेरी मदद करेंगी, अगर आप मुझे बताएं कि मानसी के साथ क्या हुआ था, तो किसी की जान बच सकती है। मानसी मेरी बेटी बाटे, उसका उसका मर्डर हुआ था। मर्डर? 8 साल पहले मैंने अपनी हस्ती खेलती जवान बेटी को खो दिया। आज का ही दिन था वो, यही डेट थी। मानसी, I'm really sorry कि मैंने आपको सब कुछ दोबारा याद दिला दिया। उसे उसे तो मार डाला है। किसने? वो ही तो पता नहीं। आपको कुछ आइडिया नहीं है? एनी क्लू किसने किया होगा ये सब कुछ? कौन था वो आदमी? हमें तो मानसी की डेड बॉडी मिली थी, खून से भरी हुई। उसका बॉयफ्रेंड था, उसे तो हमने देखा भी नहीं। मानसी, यही तो वो डेड थी। आज का ही दिन था वो, और तुम भी तो आज ही आई हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि मानसी के बॉयफ्रेंड ने ही उसके मानसी कहीं थी? उसके बॉयफ्रेंड ने कंडाला वाले फार्म हाउस में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड पैरेंट था। मैं मम्मी से छुपाती रही, काश मैं मम्मा को बता देती तो मानसी की जान बच जाती। शायद हम उसको उस खंडाला वाले फार्म हाउस में जाने से रोक सकते। हाँ, मानसी बच जाती। ये ब्रेसलेट शायद उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए ये हमें वहीं से मिला जब हमें मानसी की डेड बॉडी मिली। अब मैं जान गई हूं मानसी ने मुझे क्यों छोड़ दिया और मैं क्यों उसकी डेथ एनिवर्सरी के दिन ही उसके घर पहुंची, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे भी आज ही है। उसके बॉयफ्रेंड वीरू का बर्थडे, हमारे चीजू का बर्थडे। खंडाला के फार्म हाउस में आज भी वो वही है और दिन भी बर्थडे का ही है। Stop it! Happy birthday to you! No, Muskan!
शैतान बच्चे आप क्या कर रहे हो? प्लीज फॉर गॉड्स सेक रुक जाइए बच्चा। आज मैं इसे मार दूंगी। वीरू, कुछ करो। शट अप। मैं मुस्कान नहीं, मैं मानसी हूँ, मानसी, मानसी हूँ मैं। तुम जो भी हो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। वरना मैं तुम्हें गोली मार दूँगी। मैं गोली मार दूँगी। चलाओ गोली। चलाओ। मैंने कहा गोली चलाओ। नहीं माँ। दीदी प्लीज। This is all because of you, Tiju. This is all because of you. इस वक्त इस पे मानसिक की आत्मा सवार है। पूछिए इनसे। I know it. आपने इसी फार्म हाउस में मानसी का मर्डर किया था। Just tell me, say the truth. आपने ऐसा किया था ना? कौन मानसी? मैं किसी मानसी को नहीं जानता। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने खून किया। Please, Tiju, please just say you did it. देखिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने मानसी का खून नहीं किया। मेरा मानसी के साथ अफेयर हुआ था, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। जब तक मैं फार्म हाउस आया, डेड बॉडी पाई। बिलीव मी, आई डोंट बिलीव यू। आपने मानसी का खून किया है। अगर आपने खून नहीं किया तो फिर हमारी मुस्कान को ऐसा क्यों हो रहा? देखिए आप प्लीज कह दीजिए, वो मुस्कान को छोड़ देगी। प्लीज आई बेग ऑफ यू, प्लीज यू प्लीज से द ट्रूथ। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुस्कान, मुस्कान, जो करना चाहिए था। शना, मैंने मानसी का खून कर दिया था। मुझे वीरू और मानसी के बारे में पता चल गया था। I hated her. और मैंने उसका खून कर दिया। मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। शना, you will take care of my little girl ना? मेरी छोटी सी मुस्कान का ख्याल रखोगी? दीदी, मानसी ने अपना बदला ले लिया। जैसे ही रीमा दीदी की सांसें टूटी, उसने मुस्कान का शरीर भी छोड़ दिया। मानसी की आत्मा ने उस कातिल को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया। मेरी दीदी नहीं रही। I lost her.